ये श्रृंगार करके कहाँ जा रही है? मन की वृंदावन जा रही हूँ भाई, इतनी रात में। मन हाँ, वहाँ महाराज है, रो है। मन महाराज इतनी रात्रि में जाएगी? यूपी है, यूपी गुंडा रहे वहां में। मन पहले रहते थे, अब तो बिल्डोजर वाले बाबा ने सब साफ कर दिए। मन फिर भी इतनी रात्रि में जाएगी तो मुझे साथ में लेकर के चल। तो भोलेनाथ से माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ उस महाराज की एक ही शर्त है, उसमें केवल स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। देखो आपको अगर वृंदावन में प्रवेश करना है तो स्त्री बन के ही जाना पड़ेगा, भोलेनाथ भी स्त्री बने। देखो एक पुरुष के अंदर भी आत्मा है और एक स्त्री के अंदर भी आत्मा है। आत्मा स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है बताओ? स्त्रीलिंग है ना। तो एक आदमी के अंदर भी आत्मा है, एक स्त्री के अंदर भी आत्मा है, तो आत्मा स्त्रीलिंग है। पर लग गया परमात्मा, परमात्मा तो एक नारायण है, कृष्ण है, बाकी सब तो स्त्रियां ही हैं। भगवान शंकर जिद करते हैं और माता पार्वती मना करती है, कहती है वहां पकड़े जाओगे, वरना जिद करते हैं और कहते हैं, ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, यो बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, यो बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, यो बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। माता पार्वती कहती है, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, ओ महा रास में जाती है बस नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। भोलेनाथ कहते हैं, अरे तुम जल्दी से करो तैयारी, अरे मैं जाऊंगा कि भेष छिपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा कि भेष छिपाऊंगा। गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे चमका दे मुझे जल्दी से। कि गोरा प्यारी पहना दे मुझे मुझे साड़ी, इफेक्ट बंद करो, इफेक्ट बंद करो। गौरा प्यारी 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 पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे चमका दे मुझे जल्दी से। तो माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ साड़ी भी पहना दूं, फेयर लवली एंड फाउंडेशन क्रीम ला करके चमका भी दूं, लेकिन आपके साथ में समस्या है। मैंने क्या? मैंने इतनी लंबी लंबी रस्सी लटक रही हैं, ये जटा लटक रही हैं, इन जटान को कहा करेंगे? तुमको तो जूड़ो बनाओ, एक काम कर, अरे जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी टाड़ली। कैसे मैं मानू बात तुम्हारी, कैसे मैं मानू बात तुम्हारी, तुम हो बड़े अनाड़ी अरे ओ भोले भंडारी, अरे अगर किसी ने देख लिया तो बोले खुलेगी सारे, अरे अगर किसी ने देख लिया तो बोले खुलेगी सारी। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, वो मैं कब कह रहा हूं कि यही वेश में लेके चल, एक काम कर, जैसे तूने 16 श्रृंगार कर रखा है ना, ऐसे मेरा 16 श्रृंगार कर दे। तो माता पार्वती श्रृंगार कर रही हैं, श्रृंगार करते करते कोई ऐसी कमी निकाल दूंगी ताकि कारण भोलेनाथ को दिमाग परिवर्तित हो जाएगा और महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे। तो कहने लगे, एक काम कर, चुन्नी लाओ। मैं चुन्नी तो लाऊं,
पर वो ऐसा लगे है आज आपका नाम है भोला, हो सकता है आज के बाद भोला से भोली हो जाओ, मेल से फीमेल हो जाओ, और कोई बात नहीं भगवान कृष्ण के दर्शन करा। देखो एक भोलेनाथ हैं, पुरुष से स्त्री होने को तैयार हैं, और एक हम और तुम हैं। अगर बिहारी जी के मंदिर के बाहर बहुत लंबी लाइन लग रही हो, कह रहे हो बिहारी जी यहीं से हाजिरी स्वीकार कर लेना, बहुत ज्यादा भीड़ है, कोरोना चल रहा है, एक बार बोलो राधे राधे। एक बार भोलेनाथ है जो मेल से फीमेल होने को तैयार है, और कहते हैं माता पार्वती बोली, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के, भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के, भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के। पार्वती कहती है तुम जो चलोगे कहां धरोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियाला भोले, चंदा का उजियाला भोले, चंदा का उजियाला भोले, चंदा का उजियाला। एक घर में तेरे डमरू साजे, एक घर में तेरे डमरू साजे, एक वैजंती माला, एक वैजंती माला, कि तुम जो चलोगे कहां धरोगे ये बिच्छू ये माला, कि भोलेनाथ आपके कानों में बिच्छू लटक रहे, नाक पे कातर घूम रही है, और गले में नाग जीभें लपलपा रहे हैं। एक घर में तेरे डमरू साजे, एक वैजंती माला, माने बिच्छू कौन के वन, तुम्हारे नाग कातर कौन के, तुम्हारे डमरू माला कौन के, तुम्हारे भोलेनाथ कहते सब कुछ मेरा है तो तू परेशान क्यों हो रही है, इन सब का इंतजाम भी मेरे पास में है। मैंने क्या, इन सब को रखूंगा मैं, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के, भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के, एक लहरीदार चुंदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुंदर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के, भोला बन जाओ भोली घूमटने काल के। शिव शंकर भगवान की बात, ये बिच्छू नाग कातरी डमरू माला छिप जाएंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है सात कमरों में बंद कर दो तब भी नहीं छिप सकती, ऐसा क्या है, क्या है बताओ भोलेनाथ के पास, क्या वो तो सब रख दिया साइड में, वो झोले में आ गया सब कुछ, और वो घूंघट मार रहा है, वो हम छिप गए, वो तो तभी खुलता है जब क्रोध आता है, है जी? सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले, ये गंगा का पानी भोले, गंगा का पानी मर्दानी आवाज वल्लभ जी, मर्दानी आवाज वल्लभ जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, जनानी। कि सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, जब तेरे साथ व्यवहार चाया था ना तूने कहा कि इसको अलग करो तब फेरे लूंगी, अब भगवान कृष्ण से मिलने जा रहा हूं अब भी अलग कर दूंगा, मन फिर भी मिलवे फिर भी पकड़े जा सकते हो, मन किससे, मर्दानी आवाज बल्लभ जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, जनानी
बोलूंगो ही ना है, यहाँ तक घूट मारूंगा मैं, बोलूंगो ना है, बोलूंगी नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करो अगर बोलना भी पड़ गया तो, और यहाँ तक घूंघट मार लूंगा और फिर भी पकड़े जा सकते हो मैंने किससे, पकड़े ना जाओ कहीं, माता बहने चलती है तो मटक मटक के चले है ना, आदमी को एक पाँव यहाँ तो एक पाँव वहाँ, कि पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं, मर्दानी चाल से भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के। सिंगार कर दिया और जैसे ही भोलेनाथ चलने लगे तो माता पार्वती ने आवाज लगाई, हे भोलेनाथ कहाँ रहे गो, इतकू आओ, इतकू मतलब इधर आओ, कम हियर, मैं आगे बता। माता पार्वती ने अपनी आंख में से काजल निकाले हो और भोलेनाथ के माथे पे लगा दियो, बन जाने तेरे जी काजल से कहा लगाए हुए, मैंने काजल ही लगाए हुए, जी कहे को लगाए हुए, मैंने कहीं किसी की नजर ना लग जाए, भोलेनाथ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अरे बाबड़ी सुन मोहकुन की नजर लगेगी, देख ये जिन्न सिंध भूत प्रेत डांकरी सांकरी 24 घंटा मेरे संग मरेठान में रहे। तो माता पार्वती कह रही है, भोलेनाथ आपके भूत प्रेतों का भरोसा है, जिन्न सिंधों का भरोसा है, डांकनी सांकनियों पर भी भरोसा है, लेकिन जो टेढ़ी टांग वाला वृंदावन में बैठा हुआ है उसका कोई भरोसा नहीं है। अब जो है महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे वृंदावन में आए सब गोपियां गा रही हैं, आप भी गाओ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है जो है ना, वहां सब कर रही है धा दिन दिन्ना, और भोलेनाथ जाति कर रहे हैं धा धमादम धा धमादम धा धमादम, वही तांडव का अभ्यास, तांडव करना शुरू कर दिया भोलेनाथ ने, भोलेनाथ पर पड़ गई कि देख के भोले बाबा को, तब बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, बोले हैं कन्हाई, चोरी सब आई है बिन घूंघट, तू घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई, कि देख के भोले बाबा को, तब बोले हैं कन्हाई चोरी, ये सब आई है बिन घूंघट, तू घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई, छुड़ा करके भोलेनाथ माता पार्वती के पीछे जाके छिप गए। अब भगवान कृष्ण पार्वती से पूछते हैं, पार्वती ये कौन है, मन मेरी सहेली है, पर सहेली है तो ये छिप क्यों रही है,
पर नई नई शादी हुई है ना, शर्मा रही है, मैंने घूंघट क्यों मार रखे हो, शर्म आ रही है। भगवान कृष्ण की दृष्टि भोलेनाथ के पैरों पे पड़ गई और मनी मन में कह रहे हैं सहेली है कि सहेला है कि देख के भोले बाबा को तब बोले है कन्हाई, सब आई है बिन घूंघट तू घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई 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 छुड़ा करके भाग गए भोलेनाथ। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी, आज नंद लाल के भोला बन जाओ बोले घूंघट रे काल के, भोला बन जाओ बोले घूंघट रे काल के, पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी, आज नंद लाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट रे काल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट रे काल के। अब भगवान कृष्ण कहने लगे ऐसे नहीं मानेगी ये गोपी, ऐसे नहीं मानेगी गोपी, नहीं गोपा है, ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूली भोलेनाथ हो भोलेनाथ हो। इधर कहीं जुड़ा जा रहा है कहीं, और अपनी तरफ खींचा भोलेनाथ ने, कलाई को पकड़ा और इधर परीक्षण करा मुंह दिखा, उलट दी घूंघट न टिकट ने, उलट दिया घूंघट न टिकट ने, बोले हैं मुस्काए बोले हैं मुस्काए, बोल बोले हैं मुस्काए कान्हा बोले हैं मुस्काए, उसी रोज से भोले बाबा उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए, कि उलट दिया घूंघट न टिकट ने, बोले हैं मुस्काए, क्या बोले भोलेनाथ आप सचमुच बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, मैं भी आपकी खातिर मोहिनी रूप में गया था, आप आ जाए हो है? उसी रोज से भोलेनाथ का एक नाम पड़ा है, कौन सा नाम, गोपेश्वरनाथ, बोली गोपेश्वरनाथ की, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए कहलाए। अगर भजन अच्छा लगा हो तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ जिन्होंने इसको लिखा है, गीते भी जिंदर के और बोल जवाहर लाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट रे काल के, हाय भोला बन जाओ भोली घूंघट रे काल के, हरे एक लहरी नार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरी नार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट रे काल के, हाय भोला बन जाओ भोली।